फॉर्मूला आपको खींच देना है, ये पोल है चला, ये आपका फोकस है और ये आपका सेंटर है और ये आपका अनंत है। छह गो पोजिशन है, एक अनंत पर रहेगा वस्तु, और फरमाइएगा, एक अनंत पर रहेगा वस्तु, एक अनंत और सी के बीच रहेगा, एक सी पर रहेगा, सी और एफ के बीच रहेगा, एक एफ पर रहेगा, एक एफ और पी के बीच रहेगा। छह कंडीशन, एक दो तीन चार पांच छह। अब चला, अगर अनंत पर रहेगा वस्तु तो फोकस पर बनेगा प्रतिबिंब, अनंत और सी के बीच रहेगा, एक कदम आपको वस्तु का किसका, ये एक कदम प्रतिबिंब किसके का, तो एफ और सी के बीच बनेगा। सी पर रहेगा चला तो सी ए पर बनेगा, सी और एफ के बीच रहेगा चला तो सी और अनंत के बीच बनेगा, एफ पर रहेगा चला तो अनंत पर बनेगा, और चला एफ और पी के बीच रहेगा तो दर्पण के पीछे बनेगा। अब ध्यान रखिएगा चला जी, यहां से यहां तक बनेगा छोटा, ये बनेगा चला बराबर, ये बनेगा चला बड़ा, यहां से यहां तक ये बन जाएगा वास्तविक, वास्तविक उल्टा, ई जो बनेगा चला ये बनेगा काल्पनिक, सीधा और बड़ा। ये तो चला इसको देख लिए, अवतल दर्पण, अभिसारी दर्पण या नतुदार दर्पण, इसका होता है चला एक नंबर। गौर फरमाइएगा, अनंत पर वस्तु रहेगा, ध्यान दीजिएगा चला, अनंत पर वस्तु रहेगा, फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा, एक नंबर, एक नंबर, दो नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, पांच नंबर, छह नंबर, छह नंबर। अब ये तो हो गया चला अवतल दर्पण का, ऐसे ही इसको प्रैक्टिस कर लेना।